शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो अज़राए निफाक कहते हैं कि हम इकरार करते हैं कि आप बेशक खुदा के पैगंबर हैं, और खुदा जानता है कि दर हकीकत तुम उसके पैगंबर हो, लेकिन खुदा जाहिर किए देता है कि मुनाफिक दिल से एतकाद न रखने के लिहाज से झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और उनके जरिए से लोगों को राह खुदा से रोक रहे हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं। ये इसलिए कि ये पहले तो ईमान लाए फिर काफिर हो गए तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, सो अब ये समझते ही नहीं। और जब तुम उनके तनासुब आज़ा को देखते हो तो उनके जिस्म तुम्हें क्या ही अच्छे मालूम होते हैं, और जब वो गुफ्तगू करते हैं तो तुम उनकी तकरीर को तवज्जो से सुनते हो, गोया लकड़ियां हैं जो दीवारों से लगाई गई हैं। बुजदिल ऐसे कि हर जोर की आवाज को समझें कि उन पर बला आई। ये तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे बेखौफ न रहना, खुदा उनको हलाक करे, ये कहां बहके फिरते हैं। और जब उनसे कहा जाए कि आओ रसूल खुदा तुम्हारे लिए मगफिरत मांगे तो सर हिला देते हैं, और तुम उनको देखो कि तकब्बुर करते हुए मुंह फेर लेते हैं। तुम उनके लिए मगफिरत मांगो या न मांगो, उनके हक में बराबर है, खुदा उनको हरगिज न बख्शेगा। बेशक खुदा नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। यही है जो कहते हैं कि जो लोग रसूल खुदा के पास रहते हैं उन पर कुछ खर्च न करो, यहाँ तक कि ये खुद ब खुद भाग जाएं, हालांकि आसमानों और जमीन के खजाने खुदा ही के हैं, लेकिन मुनाफिक नहीं समझते। कहते हैं कि अगर हम लौट कर मदीने पहुंचे तो इज्जत वाले जलील लोगों को वहां से निकाल बाहर करेंगे, हालांकि इज्जत खुदा की है और उसके रसूल की और मोमिनों की, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। मोमिनों, तुम्हारा माल और औलाद तुमको खुदा की याद से गाफिल न कर दे, और जो ऐसा करेगा तो वो लोग खसारा उठाने वाले हैं। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों न दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। और जब किसी की मौत आ जाती है तो खुदा उसको हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे खबरदार है।